भाई साहब गजब हो गया जब दूल्हा घोड़ी चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच गया, सुनकर चौंक गए होगे ना। दरअसल उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज यानी 10 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं बुलंदशहर के एक घर में शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन दूल्हे के लिए अपनी शादी और मतदान दोनों ही अहम थे। जहाँ घर में खुशियों की शहनाई बज रही थी, वहीं दूल्हे बलराम के दिमाग में मतदान चल रहा था। बारात चलने को कहा गया तो दूल्हा तैयार हुआ, लेकिन बारात की जगह मतदान केंद्र पहुंच गया। मतदान केंद्र में दूल्हे को देखकर सभी चौंक गए और जब दूल्हे से पूछा गया तुम यहां क्यों, तो दूल्हे ने कहा कि हम मतदान करने आए हैं, मुझे बारात जाना है और मतदान करके यहीं से बारात जाऊंगा, मेरे लिए मतदान भी बहुत ज़रूरी है। जिसको लेकर मतदान केंद्र पर मौजूद सभी ने दूल्हे की तारीफ की, कहा मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मतदान लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाता है। राष्ट्रीय हित में मतदान के लिए लगातार जहां जोर दिया जा रहा है, ऐसे में दूल्हा बारात से पहले मतदान करने पहुंचा तो सुर्खियां बनना तो लाजमी है। आपको बता दें, चार खंबा में दूल्हे ने पहुंचकर मतदान किया, उसकी थर्मल स्कैनिंग हुई, दूल्हे को वोट डालने को मिला। अब दूल्हा देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए रवाना हुआ है। फिलहाल ज़िले में दूल्हा सुर्खियां बना हुआ है, वहीं तमाम लोग वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और मतदान करने को जागरूक कर रहे हैं। जब दूल्हे से पूछा गया ये तुम्हारा प्लान पहले से था या अचानक बना, तो दूल्हे ने बोला कि हमने सोचा था मतदान करके ही घोड़ी चढ़ेंगे। कसम से दूल्हे के ये वचन उत्तर प्रदेश में अब सुर्खियाँ बन रहे हैं। मतदान को लेकर शासन प्रशासन जहाँ लोगों को जागरूक करता नज़र आ रहा है, वहीं दूल्हे की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए नज़ीर बनकर सामने उभर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा दूल्हे ने। क्या नाम है आपका? बलराम। आज आपकी बारात जा रही है, आपने मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तस्वीर ले लो। कहाँ आपकी बारात जा रही है, कितने बजे आपने मतदान किया है? अभी तक आए 9:30 बजे करीब। तो पहले से ही प्लान बना रखा था या अचानक आपको याद आया? पहले पहले प्लान बनना था सर, बारात जेपी का कार्य करता हूँ। तो आपका मतलब प्लान था कि बारात से जाने से पहले आज डाल के जाऊंगा, उसके बाद।